यही शेष रहा कि मैं भगवान के सानिध्य को प्राप्त हूं, मेरे को परमात्मा आप उस परम पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो परम पद किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के लिए नहीं है। आगे चल करके भगवान एक गांव में पहुंचे तो भगवान भंडारेकार को आज्ञा देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए भंडारेकार गए, वहां पर क्या हुआ कि उनसे एक गलती हो गई। गांव में गए, जिसकी चट नहीं की हुई थी, पंजाबी में उसको चट बोलते हैं, ऐसा एक स्कूल था जो नई बनाई हुई बिल्डिंग थी। उस बनाई हुई बिल्डिंग पर देवता क्षोभ हुआ, देवता अपना क्षोभ पूर्ण करने के लिए उस बिल्डिंग को गिराना चाहती है, और भंडारेकार के पास केवल उसने चित्त भगवान को दिया, उसके पास परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि वो उस चीज को भी देख सकता है जो चीजें हम नहीं देख सकते। उसने देखा कि अरे ये बिल्डिंग गिरने वाली है, झट से आवाज देता है, अरे अरे बच्चों बाहर निकलो, बिल्डिंग गिरने वाली है, मर जाओगे, और सभी बच्चे भागे बाहर को और वो बिल्डिंग नीचे गिर गई। बच्चे अपने अपने घर गए, सभी ने कहा कि अरे आज हमारे गांव में ऐसे संत आए हुए हैं जिन्होंने हम सबकी जान बचा ली, हम सबकी ऐसी जान बचाई कि अगर वो ना होते तो आज शायद गांव का कोई भी चूल्हा नहीं जलता, सभी लोग मर जाते, गांव के सभी बच्चे मर जाते, ऐसे संत आए हुए हैं। और इतने में वो संत भंडारेकार भिक्षा मांगने के लिए गांव में जब पहुंचे तो क्या हुआ कि लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत आदर सम्मान से उनको अंदर बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं, भिक्षा देते हैं। इस तरह से भिक्षा मांग करके जब वो भगवान के पास पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे तो तिलक इत्यादि लगे हुए हैं, और भिक्षा देखी भगवान ने तो बहुत अच्छे पदार्थ आए हुए। भगवान कहते क्या कारण हुआ, भंडारेकार सारा वृत्तांत भगवान को बतलाता है। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान अपने आचार धर्म में कहते हैं कि मसनी चे लाकुड़ ते ही बरी एका उपयोगा जाए, बरी आपन कवना चाहे उपयोगा न बचावे। जो भक्त है, राहट घटिका का दृष्टांत देते हुए भगवान कहते हैं कि एक राहट की घटिका एक दूसरे का पोषक है, उसी तरह से एक कर्म दूसरे कर्म का पोषक है, दूसरा कर्म तीसरे का पोषक और तीसरे का चौथा। इस तरह से ये जीव चतुर्विध कर्म फलों में बंधा हुआ, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष इन चतुर्विध कर्म फलों को प्राप्त होता है, और अगर उनसे मुक्त होना चाहता है तो उससे क्या उसको क्या करना होगा, वो राहट उल्टी घुमानी होगी। जो राहट सीधी घूम रही है उस राहट को उल्टा घुमाना होगा, तभी वो जो डब्बे हैं, जो राहट है, तभी रिक्त होगी, और जब रिक्त होगी तभी वो परमात्मा प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी कार्य साधक ने नहीं करना चाहिए जिससे लोग उसको भजने पूजने लगे। ये आचार जैसे ही भंडारेकार को कहा तो भंडारेकार भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है महाराज तो आज से ये गलती मुझसे नहीं होगी। ऐसा कहकर के भगवान एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, करते करते भगवान नांदेड़ प्रदेश में पहुंचे, और अब भंडारेकार जो हैं वो अशक्त हो गए, बीमार हो गए, और बीमारी की वजह से क्या हुआ कि उनको लूज मोशन लग गए। अब काया की बात आई, वित्त दिया, चित्त दिया, और चित्त को एक पोषक और वस्तु कि जब हमारे पास दुख आता है तो हम लोगों को बुलाते हैं, साधन को बुलाते हैं, दवा को बुलाते हैं, परंतु जो भक्त है वो मात्र केवल मात्र
भगवान को बुलाता है। हम कहते हैं कि आज मेरे ऊपर ये ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, चलो हम ज्योतिष के पास जाते हैं उस ग्रह को ठीक करने के लिए, हम उसके पास जाते हैं, ये भी तो दूसरे की ही शरण हुई। और जो भक्त है वो कहता है कि मोको तो भरोसो है श्री चक्रधर महाराज पर, मेरे को तो भरोसा केवल एक अपने महाराज के ऊपर है, क्योंकि जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, अब बचाओ या डुबाओ मेरे खेवनहार हो, अब आप मेरे खेवनहार हो। भगवान का बिस्तर बिछाते बिछाते भंडारेकार को इंगली डस गई, बिच्छू से बड़ा एक इंगली का प्रकार आता है महाराष्ट्र में जिसको काला बिच्छू बोलते हैं, वो बहुत ही जहरीला होता है, वो जहरीला बिच्छू जैसे ही भंडारेकार को डसा, भंडारेकार को दवाई नहीं सूझी, कुछ और नहीं सूझा, क्योंकि वो चित्त परमात्मा को दे चुका है, उसको केवल एक ही सूझा कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो भगवान की गुणगान है, वो भगवान का नाम है, वो मुझे बचा सकता है। और भगवान को वो ये प्रार्थना करता है, महाराज क्या मैं आपके गुणों को गाऊं? भगवान आज्ञा करते हैं, भगवान कहते गाओ। और जैसे जैसे भगवान के गुणों का वो गुणगान करता है वैसे वैसे उसकी तकलीफ जो है वो दूर होती जाती है। यह है चित्त का कारण। और आगे चल करके भंडारेकार अब अशक्त हुए, बीमार हुए, तकलीफ में है, रात को सोया जो उसकी यादों में, शाम उसके लिए जागता देखा। अब भक्त को भगवान की फिर जरूरत हुई, साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु भंडारेकार की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो उदाहरण आज तक नहीं देखा गया, कि एक परमात्मा अपने भक्त के लिए इतना करने के लिए तैयार है कि उसके खराब हुए कपड़ों को भी भगवान धोने के लिए आज विवश है, क्योंकि उसने चित्त वित्त भगवान को दिया है। भगवान उसकी सेवा करते हैं। जिस मंदिर में भगवान रुके हैं उस मंदिर के लोग, उस मंदिर में रहने वाले सन्यासी, उस मंदिर में रहने वाला पुजारी भगवान को कहता है कि महाराज इसको यहां से उठा करके ले जाइए, यहां से ये कौन सा गंदा आदमी यहां पर रहता है, बदबू फैला दी इसने। भगवान स्वयं उसको अपने कंधों पर उठाते हैं और भगवान एक मंदिर में दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। उस मंदिर में जाने के उपरांत अब भंडारेकार के जीवन का वो आखिरी क्षण जिससे भगवान विवश हुए उसके पास आने के लिए, भंडारेकार के जीवन का आखिरी दिन, अब जीने की कोई आस नहीं है,